नमस्कार, आकांक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गजाला प्रवीण। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सहिया से दुर्व्यवहार मामले का आरोपी बीटीटी का तबादला, जांच टीम की रिपोर्ट में बीटीटी दोषी करार। मलेमास पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, प्रशासनिक व्यवस्था दिखी दुरुस्त। निगम के वार्ड नंबर 36 में नहीं हो सका है विकास, पार्षद पर भेदभाव का आरोप। और सदर अस्पताल में भी अफसरशाही हावी, दादा की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 महीने से सदर अस्पताल का चक्कर काट रहा है सुनील प्रसाद यादव। अब खबरें विस्तार से। मलेमास पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कहा जाता है कि मलेमास को पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मास माना जाता है, तभी तो लोग दूर दूर से बाबा पर जलाभिषेक करने देवघर पहुंचते हैं। वहीं पूर्णिमा को देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त था। ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ बाबा बैद्यनाथ, रामेश्वर बाबा बैद्यनाथ है। अभी मलेमास चल रहा है, आज पूर्णिमा है। आप देख सकते हैं यूपी एमपी और बिहार का भी अब पूर्णिमा के हिसाब से आज काफ़ी दिन है। आज का दिन बाबा बड़ा पावन का दिन है। पूर्णिमा में से सब काम पूर्ण हो, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सभी भक्तों का कामना पूर्ण हो, सभी का विशेष कामना जो है पूर्ण हो तो हो। सहिया से छेड़छाड़ मामले में आरोपी बीटीटी अभिषेक ठाकुर पर कार्रवाई करते हुए तबादला सार्वा कर दिया गया है। बताते चले कि आकांक्षा न्यूज बराबर इस प्रकरण को उठाता रहा है। बताते चले कि मोहनपुर में प्रशिक्षण के दौरान अपने सीनियर के साथ मारपीट व सहिया साथी के साथ दुर्व्यवहार मामले में जांच टीम ने अभिषेक ठाकुर को दोषी पाया था, जिसके बाद सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए उसका तबादला कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में विकास का पैमाना क्या है, ये 36 नंबर वार्ड के वासी नहीं जानते हैं। निगम बनने के 7 साल के बाद भी वहां विकास नहीं हो पाया है। ना तो सड़कें बनी और ना ही नाले। गरीबों की बस्ती बांडी में पुरुष किसी तरह रिक्शा चलाते हैं तो महिला अपने घर में बीड़ी बनाकर अपना गुजारा करती है। वहाँ के लोगों को पार्षद से किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। गाँव के लोग बताते ही हैं कि पार्षद के जीतने के बाद से यहाँ कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ है। गाँव में कुछ लोग वैसे भी हैं जिसे वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, लेकिन पार्षद की ओर से इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। के ग्रामीण मोहल्ले के कई माताओं बहनों ने भी आज अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में हमें शामिल तो कर लिया गया, मगर मूलभूत सुविधाओं से हमें वंचित रखा गया। हमने भी आकर यहाँ देखा कि ना सड़क है, ना नाले हैं, और इतने विकसित मोहल्ले में होने के बावजूद यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। वृद्धा पेंशन जो लोग होबे नहीं कर रहे थे, ताकि बीड़ी लगाबे छे, कोई दोसर बिजनेस करे छे, कपड़े दुकान करे छे, तो कहे छे यादव सुनबहिए नहीं करे छे। यादव समझे जी तब कहे छे एगो पेंशन करे दन बोली उमर लिए गेल ने यमन बाड़ी में फेंक गेल हो। हां यमन बाड़ी में यादव सा यहां निकाला पोते बोल कभी ने छुई मत ने हाल छत ने छोड़ दिए बाबू की कर। बिजली स्थिति तो ठीक है बाबू, लेकिन सड़क की स्थिति एकदम खराब देखिए। उनका जब को पवाती हो जाए तो ले गए, इतना खराब हो जाए जे डरम चलेम जे दुर्बल हो जाए। कैसे लगभ व्यवस्था नहीं, गाड़ी वाला गते नहीं, बांडी गाँव कौन छिके किरंग लगभ से यहाँ ना गते छिके। यदि हम नहीं झूठ बोले छौं तो ऐसे ही अपने चेक करी देख ले गाँव किरंग छे। हम उनका रोड के एको कटी व्यवस्था यहाँ नहीं छे, कोगो कॉलोनी नहीं हल से देख ले, ऐसे ही अपने देखियो ले कहाँ हल से कुछ नहीं हल से। एगो एक बेर ककरो ककरो बिल दिल छो, एक बेर दू बेर आर कुछ नहीं हल से, ऐसे देख ले यारो जहाँ जहाँ निगम हल से वहाँ जे जे देख ले पारे छे। देवघर में आसू पार्टी 2019 चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है और गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूती देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आसू महानगर कमेटी की ओर से बांडी में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आसू के केंद्रीय सचिव राजा साहनी, जिला प्रवक्ता प्रदीप चौधरी, महानगर अध्यक्ष राजीव झा सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में युवाओं ने आसू पार्टी ज्वाइन किया। वहीं जिला प्रवक्ता प्रदीप चौधरी ने बताया कि पार्टी 2019 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी, इसके लिए पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। आज की जो बैठक थी वो नगर निगम कमेटी की जो है विस्तार के लिए बैठक थी आसू पार्टी का,
और नगर निगम का जो विस्तार क्षेत्र के लिए हम लोग निकले हैं कि किस किस नगर में और वार्ड में किन किन लोग की क्या क्या समस्या है, ये भी जानकारी हम लोग भ्रमण के द्वारा लेते हैं। तो तमाम जगह हम लोग जाने के बाद देखते हैं कि बहुत तरह की जो है सो ग्रामीण परिवेश में जो नगर निगम आ गए हैं और उनमें जो नगर निगम को टैक्स तो दिया जा रहा है लेकिन उसकी जो सुविधा होना चाहिए उस अनुरूप नहीं मिल रहा है। और इसके लिए आसू पार्टी जो है सो तमाम नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं लगभग सभी में भ्रमण करने का कार्यक्रम बना रही है। उसी भ्रमण के क्रम में ही हम लोग संगठन के विस्तार के लिए आज बहुत से हमारे युवा साथी आसू पार्टी में अपना जो है सो आस्था व्यक्त किए हैं और पार्टी में ज्वाइन किए और सुदेश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए सभी ने दृढ़ संकल्प लिया है और संकल्प लिया है कि आने वाला समय में हमारे जो आसू पार्टी के जो नेता हैं उनको हम लोग एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन तमाम सब बहुत सारी मुद्दाएं हैं और एक मुद्दा मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाला जो नगर निगम का जो मेयर का चुनाव हो वो आरक्षित हो और एससी सीट के लिए वो रिजर्व हो, जिससे कि तमाम जो और भी लोगों का जो पिछड़ा क्षेत्र में आता है तो उनका विकास हो सके। देखिए हमारा मिशन 2019 चल रहा है, हमारे सुप्रीमो ने ठाना है कि हम झारखंड के तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, इसलिए हमारे प्रत्येक जिले के प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक पंचायत प्रखंड में ये रणनीति पर काम चल रही है कि संगठन विस्तार हो ताकि आगामी चुनाव में हम दमखम के साथ मैदान में आ सके। आसू पार्टी में हम ज्वाइनिंग किए इसलिए भी कोई चीज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बम जी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ हाँ, ये देखिए बाबा सिंदूर। आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर वन सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर। माउंट कामल हाई स्कूल, अ यूनिट ऑफ LMC ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेस्ड ऑन ICSE दिल्ली बोर्ड। देर आर मेनी ब्रांचेस एट बिहार एंड आउटसाइड। एडमिशंस ओपन फॉर 2018 एंड 2019। क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 10। Our mission is to educate your child's heart, mind and spirit for an exceptional character and personality development. Smart classroom with interactive board and TV. Safe and student-friendly environment. Experienced and qualified staff. Bus facility. Address: Bela Bagan, Nandan Pahar Road, near Civil Court, Deoghar, Jharkhand. PIN number 814112. Contact number संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और उसके मूल्यों की मर्यादा का ज्ञान देते हुए हमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी। हम इनके स्नेह के आभारी हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।
कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल एक आदर्श शिक्षण संस्थान प्ले हाउस टू स्टैंडर्ड 10th एंड इंग्लिश मीडियम CBSE क्यूरिकुलम। बच्चों में संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के स्तर को निरंतर आगे बढ़ाता एक सफल संस्थान कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल, इक्विप्ड विद SEL स्मार्ट क्लासेस। शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए समय समय पर योगा, डांस, खेल और कल्चरल एक्टिविटी का आयोजन करता एक योग शिक्षण संस्थान कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल। प्ले हाउस टू स्टैंडर्ड 10th स्कूल में मिले घर जैसा माहौल। निदेशक राजीव रंजन के सफल दिशा निर्देश और अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ाता कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल, ए यूनिट ऑफ KECT अपोजिट DC रेसिडेंट, सर्कुलर रोड, देवघर। एकमात्र संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संत माइकल एंग्लो विद्यालय। यहाँ बच्चों को नर्सरी से अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। बड़ों को आदर करने व मानवता इत्यादि मूल्यों पर ध्यान रखकर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। दक्षिण भारत एवं एंग्लो इंडियन शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा संचालित केरला एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का संत माइकल एंग्लो विद्यालय। संत माइकल एंग्लो विद्यालय शिक्षा के लिए सबसे अच्छी संस्था। आवासीय सदीन स्कूल, हमारी विशेषता कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान। संत माइकल एंग्लो विद्यालय, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवघर, क्षेत्र कार्यालय तिवारी चौक, देवघर। देवघर शहर के रोहिणी के पास पहली बार चंपारण का मशहूर मिट्टी के हांडी से तैयार नॉन वेज के सारे आइटम, मटन हांडी, चिकन हांडी, मछली हांडी बनाए जाते हैं। देवघर में पहली बार हांडी में मटन दिया जा रहा है, जिसमें चिकन, फिश तीनों हांडी में तैयार किया जाते हैं। कुशल कारीगर, उत्तम तकनीक और उच्च कोटि के मसालों से तैयार मटन चिकन मछली हांडी में उपलब्ध है। लोगों ने खाया, उसने बताया, वाह क्या स्वाद है। चंपारण मटन हांडी, वाह क्या स्वाद है। हमारा पता, रोहिणी नावाड़ी रोड के समीप पेट्रोल पंप के पास चंपारण हांडी वाला रेस्तरां, एक बार अवश्य पधारें। मोबाइल नंबर 9430025059। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्रा कुलियरी के तत्वाधान में चित्रा यज्ञ समिति के बैनर तले चल रहे लक्ष्मी नारायण यज्ञ में बनारस और बंगाल से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति को देखकर वहां मौजूद श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर भगवान की एक से बढ़कर एक झांकी भी निकाली गई और ना ही खायब खोआ मेवा ना ही मिश्री मलाई के गानों पर भक्त झूमने लगे। चित्रा में कार्यक्रम के बाद पत्रकार से बात करने के दौरान कलाकारों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ काम करके काफ़ी आनंद आया। मैं पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और यहाँ के दर्शकों ने बहुत अच्छा रहा और मैं पहली बार आप सबका भी आदर करते मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सविता निवास। कहाँ से है मैम? मैं इलाहाबाद से, यहाँ की धरती से आई हूँ और गंगा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ के। यहाँ के दर्शकों के बारे में आपको कैसा अनुभव लगा? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सज्जन और सुशील स्वभाव के सारे लोग हैं। कहीं कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। रिक्शा थाना क्षेत्र के आमगाछी में आपसी विवाद में हुए मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी दिवाकर मंडल का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हमारा गुदिया मारपीट किया है, आम गाछ का पेड़ था, मेरा जमीन में आओ जबरदस्ती काट के पंचायत समिति को है ना फैसला कर दिया। उसके बाद में भी जबरदस्ती पंचायत समिति मिल के सब कुछ बोलता है, यही केवल नहीं देगा सोनू मंडल मारा है। सरकारी तंत्र का अधिकारी किस कदर फायदा उठाते हैं ये इसी बात से पता चलता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महीने लग जाते हैं। दरअसल 8 अप्रैल को दौदी मथुरापुर के शिवलाल महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर CK साही के द्वारा किया गया।
पोस्टमार्टम के महीने बीत गए, लेकिन आज तक उसके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। अपने दादाजी के मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने के लिए पोता सुनील यादव अस्पताल के कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। मेरे दादाजी दिनांक 8/4/2018 को सड़क दुर्घटना में सड़क स्थल पर ही मौत हो गई, और अभी यहाँ देवघर के सदर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद हमको अभी तक पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र नहीं मिला, जो कि ये पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र हमको ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। लगभग हम 2 महीना से चक्कर काट रहे हैं यहाँ का, अभी तक हमको इंश्योरेंस नहीं मिला। ये आज बात नहीं हुआ, कल बोला कि, और पहले भी बोले थे तो बोला कि हाँ कल दे देंगे, परसों दे देंगे। एक बार बोला कि अगला सोमवार को, बोला कि हाँ बुधवार तक दे देंगे। बुधवार भी आए तो बोला कि नहीं मिला। फिर बोला शुक्रवार को भी आए तो बोला कि नहीं भेट पाए। तो शनिवार आए तो बोला कि फिर 2 दिन के बाद मिला। सोमवार रविवार को हम करके सोमवार को मिलेंगे, फिर आए तो फिर नहीं मिला। और कल भी बोले कि कल मिल जाएगा। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है। कमी के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने आए मरीजों को इलाज कराने में घंटों लग जाते हैं। मंगलवार को भी सदर अस्पताल में चिकित्सक नहीं रहने के कारण मरीजों को घंटों लाइन में रहना पड़ा। इधर डॉक्टरों की कमी पर सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में ऑर्थो चिकित्सक नहीं है, इसके लिए काफी परेशानी होती है। जैसे हमारे सदर अस्पताल देवघर में एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन आरपी सिंह, उनका पिछले माह एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं का फ्रैक्चर हो गया, तो भी अब वे आए हैं, योगदान किया, ओपीडी कर रहे हैं। उनके द्वारा शल्य क्रिया नहीं की जा रही है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत ही मतलब बहुत स्टेलाइजेशन की जरूरत होती है, बहुत असिस्टेंट चाहिए, सामान चाहिए, तो हम लोग उसमें भी लगे हुए कि फुल स्टेलाइज जोन बनावे और यहीं पर नेलिंग प्लेटिंग या रिप्लेसमेंट या जो भी हो सके। और सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि आजकल तो ऑर्थोपेडिक में एमसीएच सुपर स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, जो मेरे अस्पताल में नहीं है, लेकिन जनरल फ्रैक्चर का तो इलाज किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जब वे पूरा दुरुस्त होंगे तो पुनः सर्जरी शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए कांचा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सहिया से दुर्व्यवहार मामले का आरोपी बीटीटी का तबादला, जांच टीम की रिपोर्ट में बीटीटी दोषी करार। मलेमास पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, प्रशासनिक व्यवस्था दिखी दुरुस्त। निगम के वार्ड नंबर 36 में नहीं हो सका है विकास, पार्षद पर भेदभाव का आरोप। और सदर अस्पताल में भी अफसरशाही हावी, दादा की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 महीने से सदर अस्पताल का चक्कर काट रहा है सुनील प्रसाद यादव। बमजी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ हाँ, ये देखिए बाबा सिंदूर। आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर 1 सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर। माउंट कामल हाई स्कूल, अ यूनिट ऑफ LMC ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेस्ड ऑन ICSE दिल्ली बोर्ड। देर आर मेनी ब्रांचेस एट बिहार एंड आउटसाइड। एडमिशंस ओपन फॉर 2018 and 2019। क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 10। Our mission is to educate your child's heart, mind and spirit for an exceptional character and personality development. Smart classroom with interactive board and TV. Safe and student-friendly environment. Experienced and qualified staff. Bus facility. Address: Bela Bagan, Nandan Pahar Road, near Civil Court, Deoghar, Jharkhand. PIN number 814112. Contact number 909-780-3577, 8535-918025. Thank you.
प्यारा है, इसकी ऊर्जावान मिट्टी ने जीवन मेरा सवारा है। रेड रोज विद्यालय अपना हम बच्चों को प्यारा है, इसकी ऊर्जावान मिट्टी ने जीवन मेरा सवारा है। अपने रेड रोज विद्यालय ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और उसके मूल्यों की मर्यादा का ज्ञान देते हुए हमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी। हम इनके स्नेह के आभारी हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल एक आदर्श शिक्षण संस्थान, प्ले हाउस टू स्टैंडर्ड 10th एंड इंग्लिश मीडियम CBSE क्यूरिकुलम। बच्चों में संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के स्तर को निरंतर आगे बढ़ाता एक सफल संस्थान कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल, इक्विप्ड विथ SEL स्मार्ट क्लासेस। शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए समय समय पर योगा, डांस, खेल और कल्चरल एक्टिविटी का आयोजन करता एक योग शिक्षण संस्थान कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल, प्ले हाउस टू स्टैंडर्ड 10th। स्कूल में मिले घर जैसा माहौल। निदेशक राजीव रंजन के सफल दिशा निर्देश और अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ाता कर्म संभव इंटरनेशनल स्कूल, ए यूनिट ऑफ KECT अपोजिट DC रेसिडेंट, सर्कुलर रोड, देवघर। एकमात्र संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संत माइकल एंग्लो विद्यालय। यहाँ बच्चों को नर्सरी से अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। बड़ों को आदर करने व मानवता इत्यादि मूल्यों पर ध्यान रखकर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। दक्षिण भारत एवं एंग्लो इंडियन शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा संचालित केरला एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का संत माइकल एंग्लो विद्यालय। संत माइकल एंग्लो विद्यालय शिक्षा के लिए सबसे अच्छी संस्था। आवासीय सदीन स्कूल, हमारी विशेषता कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान। संत माइकल एंग्लो विद्यालय, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवघर, क्षेत्र कार्यालय तिवारी चौक, देवघर। देवघर शहर के रोहिणी के पास पहली बार चंपारण का मशहूर मिट्टी के हांडी से तैयार नॉन वेज के सारे आइटम, मटन हांडी, चिकन हांडी, मछली हांडी बनाए जाते हैं। देवघर में पहली बार हांडी में मटन दिया जा रहा है, जिसमें चिकन, फिश तीनों हांडी में तैयार किया जाते हैं। कुशल कारीगर, उत्तम तकनीक और उच्च कोटि के मसालों से तैयार मटन चिकन मछली हांडी में उपलब्ध है। लोगों ने खाया, उसने बताया, वाह क्या स्वाद है। चंपारण मटन हांडी, वाह क्या स्वाद है। हमारा पता, रोहिणी नावाड़ी रोड के समीप पेट्रोल पंप के पास चंपारण हांडी वाला रेस्तरां, एक बार अवश्य पधारें। मोबाइल नंबर 9430025059।